हेलो कैसे हैं आप आप लोग सभी लोगों को मेरा प्यार नमस्कार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक पर सो जल्दी से फटाफट सेशन को ज्वाइन करें और ये आप लोगों का जो रेडियो ऑपरेटर आपका एग्जाम एनालिसिस है वर्कशॉप स्टाफ का एनालिसिस कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ये कराने के पीछे रीजन ये है कि पेपर तो चलो इनका हो गया लेकिन अभी आप लोगों का जो कॉन्स्टेबल का पेपर है यानी कि जो कॉन्स्टेबल का एग्जाम है उसके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो ये बातों को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा आइडिया लगता है इन पेपरों से क्योंकि रिसेंट पेपर हुआ है और अभी आपका जो पेपर हुआ है इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग बच्चे पहले सेशन को शेयर कर दीजिए मैं आपको एक दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ और एक दो मिनट में सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लीजिए स्पीड में जितना स्पीड में कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा ये आप लोगों के लिए ठीक है भाई क्लियर चीज तो इसको आप लोग जान कर लीजिए अच्छे से क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है ये आपको करना ठीक है तो ये काफी जरूरी रहेगा ठीक है थीके? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पेपर आप लोग कर लीजिए इसके एनालिसिस देख लीजिए ताकि आप लोगों को कुछ फायदा यहाँ पर मिल जाए ठीक है क्लियर चलो भाई आगे बढ़ते हैं चलो 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 आगे सारे बच्चे ठीक है जिद्दी गर्ल गुड आफ्टरनून क्लास को शेयर कर दो आप सारे बच्चे ये फिर बता रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पेपर आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आपके कॉन्स्टेबल में पूछे जाएंगे ठीक है चलो भाई गुड आफ्टरनून टीना जी गुड आफ्टरनून जिद्दी गर्ल गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून ठीक है सारे बच्चे आ जाइएगा कोई इशू नहीं है कोई डर नहीं है ठीक है शुरू करें फिर देखिए अब देखिए सवाल देखते हैं कौन कौन से आए ये सारा एम बी टी बेस्ट पेपर है मेमोरी बेस्ड पेपर है मेमोरी बेस्ड टेस्ट बनता है तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ से पूछा गया है कि एक डीपीएसपी से सवाल आया डीपीएसपी से क्या पूछा इन्होंने कि भारतीय संविधान के लिए राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो डी इनमें से किस देश के संविधान से प्रेरित थे देखिए अब हमारे बच्चे जो होंगे जो हमसे पढ़ रहे हैं जीके जी उनके लिए ये क्वेश्चन आसान होगा कि टफ होगा बताइए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान आपके लिए बिल्कुल फ्री के नंबर हैं अगर आप लोग मेरी क्लासें कर रहे हैं तो डीपीएसपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बच बचे तो मैंने आपको करवा दिया तो यानी कि अब यहाँ से हमको एक चीज़ ध्यान देनी है कि किससे सवाल पूछा इन्होंने सोर्स से सवाल पूछा है कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है और ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं कहाँ से क्या क्या लिया गया है ठीक है तो ये डी पी एस पी कहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट right कहां से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ठीक है तो डीपीएसपी की बात करेंगे बताइए आप लोग आप लोग बता दीजिए मैं क्या बताऊँ उसमें आयरलैंड हो जाएगा तो आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट right जो है वो कहां से लिए गए हैं यूएसए से लिए गए हैं डी पी एस पी की बात करेंगे तो डी पी एस पी आता है आपके जो पार्ट भाग चार आ जाएगा अनुच्छेद आपके जो आ जाते हैं वो छत्तीस से इक्यावन आपके आ जाएंगे ये यहाँ से लिया गया है ठीक है तो ये पॉइंट क्या करना है आपको नोट करना है और ज्यादा पूछेंगे तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट में जो उन्नीस में हुआ था किस किस आर्टिकल में चेंजेस हुए तो थर्टी नाइन ए एड किया गया फोर्टी थ्री ए एड किया गया फोर्टी एट ए एड किया गया ऐसे करके क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं तो सोर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा हो सकता है यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में बने ठीक है भाई क्लियर हाँ या ना मजारा पेपर देख के ऐसे सवाल कांस्टेबल में आ जाए तो सोचो क्या जाएगी कट ऑफ सारे बच्चे करके आएंगे और ऐसे सवाल आप देखें सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं सवाल स्कोरिंग करते हैं सिलेक्शन कौन दिलाएंगे बताऊंगा आप लोगों को भी फिर एक सवाल आया था आपका कि वो इज द करेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ़ द यू डी तो यूएनडीपी का जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ पे कौन हो जाएंगे ये सवाल पूछा गया तो अभी मैंने आप लोगों से कई बार मैंने बोला हुआ कि रिसेंट के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं यानी कि रिसेंट के जितने लोग अपॉइंट किए गए हैं वो अपॉइंटमेंट आप जरूर देख लीजिएगा कि इनमें से अपॉइंट कौन कौन सा हुआ है कौन किया गया है अभी हाल ही में अगर पूछा जाए तो, तो ऐसे करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे ठीक है तो यू की बात करेंगे तो यू के जो अभी वर्तमान प्रशासक हैं करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम हो जाएगा अचिन स्टेनर हो जाएंगे ठीक है अचिन स्टेनर अगर यू की बात करेंगे इसकी स्टार्टिंग का भी 1966 में हुई 1966 में इसकी स्थापना होती है और इसके साथ साथ में इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर जो पड़ेगा वो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है याद रखना है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा ठीक है भाई प्रणाम देखो जी प्रणाम अच्छी बात है तो ये देख लीजिए आप लोग इस तरीके का सवाल आप लोगों से बनेंगे ठीक है भाई चलिए भाई आई की बात करें अब देखो अब जब बात आई गई है रिविजन ही रहे हैं तो आई के अभी जो निदेशक हैं प्रेजेंट में वो निदेशक अभी कौन हो जाएंगे ये भी याद रखेंगे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं डब्ल्यू हो गया आई हो गया आई हो गया इन सबके जो 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 हेड है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए तो याद रखेंगे तो क्रिस्टना जॉर्जिबा की बात करेंगे तो क्रिस्टना जॉर्जिबा यहाँ पर ये आई एम की क्या हो जाएंगे निदेशक यहाँ पर हो जाएंगी मार्क अगर लोगों की बात करेंगे तो मार्क लोगों की अगर बात करेंगे तो इन्होंने याद रखेंगे कि 2017 से 2017 से 2021 तक दो से दो इक्कीस तक आपका जो है मानव राहत वगैरह का जो प्रोग्राम है उसमें इन्होंने काम किया है एज ए महानिदेशक के रूप में और डेविड व्यासली की अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे डब्ल्यू एफ की बात करेंगे तो डब्ल्यू ई एफ यानी कि डब्ल्यू एफ पी डब्लू एफ पी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेंगे तो डब्ल्यू एफ पी के निदेशक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेविड ब्यासली हो जाएंगे ठीक है भाई क्लियर शरद वीर सिंह ऑफिशियल आपका नाम ले देना है प्लीज ठीक है कमेंट स्लो जा रही है कमेंट काफी लेट आ रही है और ये काफी सेशन जो है स्लो है मैच तुम तीस से चालीस सेकेंड का डिले है इसमें ठीक है तो मैं एक बार एक कमेंट कर देता हूं कि इसको थोड़ा देख लिया जाए कोई नहीं मैं एक बार बोल देता हूँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है डिले कोई दिक्कत नहीं आने दीजिए कमेंट आप लोगों का ठीक है चलो अगला पॉइंट देखते हैं फिर यहाँ से देखेंगे कि अभी आपके सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से झीलों को झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया तो ये यूपी की जो लेक है क्योंकि यूपी से देखो सवाल आपका आएगा अब देखो ये सवाल की खासियत क्या है ये सवाल थोड़ा सा टफ सवाल की कैटेगरी में इसको डालूंगा कि ये सवाल आपका टफ है सबके लिए आसान ये नहीं होगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक अगर एनवायरमेंट की बात करेंगे तो एनवायरमेंट का टॉपिक भी कवर किया है इन्होंने यहाँ पर स्टेटिक जी का भी आपका टॉपिक कवर किया है उसके साथ साथ में इन्होंने यूपी जी के भी कवर करी है तो ये क्वेश्चन जैसे कि नहीं आई टी वगैरह में आते थे कि तीन चार टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन बना देते थे तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन बनाया इन्होंने और झीलें भी कवर कर दी हैं इन्होंने इस कार्यक्रम को भी कवर कर दिया है यूपी जी भी कवर कर दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा किसको इनमें शामिल किया गया है कौन कौन सी झीलों को शामिल किया गया है ठीक है बात चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब अगर मैं इस योजना की अगर बात करता हूं तो यहां पर इस योजना के तहत भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के दो झीलों को क्या किया है दो को मंजूरी दी है एक तो आपका रामगढ़ ताल हो जाएगा और एक हो जाएगा मानसी गंगा ताल हो जाएगा राइट रामगढ़ ताल और मानसी गंगा ताल तो ये आपके झीले हो जाएंगे जिनको मान्यता यहाँ पर दिया गया क्रेजी क्राफ्ट क्वेश्चन लगा लीजिए नाम लेके क्या हो जाएगा नाम लेने से तुम्हारा एग्जाम निकल जाए बताइए हम गुदवा लेते हैं यहाँ पर क्रेजी क्राफ्ट और बच्चों से भी बोल देते हैं तुम्हारे नाम का झंडा बनवा देते हैं ठीक है ले लिया नाम भाई नाम लेने सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा बताइए चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर तो अब देखो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे पड़ेंगे जैसे रामगढ़ ताल की बात करेंगे तो ये रामगढ़ ताल जो है आपका गोरखपुर में है कहाँ पर है गोरखपुर में हो सकता है ऐसे करके पूछ दें कि गोरखपुर में किस जगह पर है ऐसे पूछा जाता है मानसिक गंगा ताल की बात करेंगे तो मानसिक गंगा ताल जो है ये पड़ती है मथुरा में कहाँ पड़ेगी ये ये मथुरा में है मानसिक गंगा ताल तो ये कहाँ पड़ती है मथुरा में पड़ेगा मानसिक गंगा ताल की अगर बात करते हैं तो ये मथुरा हो गया और ये क्या हो गया हमारा गोरखपुर हो गया ठीक है भाई क्लियर अच्छा तो आंसर आंसर हो जाएगा इसमें ओनली बन टू हो जाएंगे बाकी लक्ष्मी ताल और जो मदन सागर ताल है याद रखेंगे तो इनका भी प्रस्ताव रखा गया है ये शामिल नहीं करी गई हैं लेकिन इनका प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है जिसको बोलेंगे लक्ष्मी ताल और मदन सागर ताल लक्ष्मी ताल की बात करेंगे तो कहाँ पर है झांसी में है ठीक है ये कहाँ पर है झांसी में है तो झांसी में पड़ेगा आपका कौन सा इधर आपका लक्ष्मी ताल और मदन सागर ताल की बात करेंगे तो ये पड़ेगा कहाँ पर महोबा में पड़ता है ठीक है किस जगह पर महोबा में पड़ेगा सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग जल्दी से ताकि सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लें ठीक है आगे बढ़ते हैं <coughs> तो आंसर हो जाएगा ओनली वन जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे आता है बेटा कि गोरखपुर खेत में से किस नदी के तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं मैं बता दूं आप लोगों को जो ज़िले नदी किनारे बसे हुए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा गोमती के किनारे कौन कौन से ज़िले हैं लखनऊ कहाँ पर है गोरखपुर कहाँ पर है कानपुर कहाँ पर है हरिद्वार किस नदी किनारे है वाराणसी गंगा किनारे है फरखाबाद कहाँ फरखाबाद का नहीं पूछेंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वाराणसी हरिद्वार कानपुर इसके अलावा आपका जैसे कि लखनऊ हो गया जौनपुर हो गया गाजीपुर हो गया ये सब डिस्ट्रिक्ट जिन जिन नदी किनारे हैं वो आप याद रखेंगे तो गोरखपुर के नदी किनारे है आसान सा सवाल है जो कि आपका हो जाएगा राप्ती नदी कैसे किनारे है राप्ती नदी हो जाएगा टेरा कोटा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा टेरा कोटा की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है कौन गोरखपुर सबसे ज्यादा अगर वर्षा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा अगर वर्षा कहीं पे हो रही है तो वो गोरखपुर साइड में ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है क्योंकि ये ईस्टर्न जिला है पूर्वी जिला है और पूर्वी जिलों में वर्षा ज्यादा होती है तो ऐसे करके इनको याद रखना है ठीक है तो जो जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो आपको याद कर लेने हैं ठीक अगला अगला पॉइंट आता है बेटा अब जैसे गंगा की बात करें गंगा किनारे बहुत कानपुर हो गया हरिद्वार हो गया इसके अलावा बनारस हो गया ये सब का प्रयागराज हो गया ये सब गंगा किनारे हैं गोमती की बात करेंगे तो लखनऊ आता है जौनपुर आता है ये सब आ जाएंगे ठीक अगला क्वेश्चन अगला पूछा गया आप लोगों से हॉकी का जादूगर किसके रूप में कौन जाना जाता है आज शायद आज के सेशन में ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया है ठीक है फरुकाबाद था फेमस नहीं है फर्काबाद डेवलप नहीं हो पा रहा है फरकाबाद सैडो रीजन में आ चुका है ठीक तो यहाँ से हॉकी का जादूगर किसके रूप में जाना जाता है मतलब कौन जाना जाएगा देखिए इतना आसान सवाल है आज सुबह मैंने कराया कुछ दिन पहले भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ ठीक है तो आसान सा क्वेश्चन है ये और मेजर ध्यानचंद आ जाएंगे ऐसे सवाल देखिए बेटा सारे बच्चे करके आएंगे और ऐसे सवाल आपको गलत भी नहीं करने ठीक है तो ये हो जाएंगे उनतीस तारीख की बात करेंगे तो उनतीस तारीख को इनका क्या मनाया जाता है स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इनके नाम पर जो है खेल रत्न पुरस्कार जो है इसको बदलकर इनके नाम पर कर दिया गया है तो ये खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा मेजर ध्यानचंद ठीक है आसान सा क्वेश्चन है अगला पॉइंट अगला आता है यहाँ से कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं मैंने आप लोगों को यूट्यूब पे इसका अलग से सेशन भी कराया है और बताया भी है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आप लोग मेरी क्लासें करते रहते एक एक सवाल बता रहा हूँ आपको कौन कौन सा सवाल मेरी क्लास से है बाद में काउंट करने में आसानी रहेगी तो अब देखो जो क्लास से है उसमें मैं सी बना देता हूँ राइट जैसे कि ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है मेरी क्लास से आया है डायरेक्टली क्लास से फँसा है इसके अलावा इसकी तो बात नहीं करेंगे ये नहीं फंसा है ठीक है जो नहीं फंसा वो नहीं फंसा ये भी नहीं फंसा है बट ये क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कहाँ से है क्लास से है उसके अलावा अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की बात करेंगे डायरेक्टली कहाँ से है क्लास से अगर एक महीना की क्लासें आपने करी होती तो ये सवाल आपके गलत नहीं होते और यही कॉन्स्टेबल में फिर से रिपीट होंगी चीज़ें देख लेना है चीज़ ठीक है उसके अलावा आगे बढ़ोगे तो ये सवाल जो है आपका ये भी क्लास से है बता देता हूँ आप लोगों को ये सारे युद्ध मैंने करवाए हुए हैं याद रखेंगे तो बाबर के जो युद्ध हुए थे पंद्रह सौ छब्बीस में मैंने आपको लिखाया भी था ऐसे करके पानी पिया पानी पीने के बाद फिर उसने खाना खाया खाना खाने के बाद फिर वो चल दिया चल देने के बाद फिर वो घर गया घर जाने के बाद फिर वो सो गया ये पंद्रह सौ छब्बीस या सत्ताईस ये अट्ठाइस ये उनतीस और ये तीस ठीक है तो खानवा युद के युद्ध मतलब पंद्रह सौ सत्ताईस किसके बीच में लड़ा गया खानवा के युद्ध में तो बाबर था यहाँ पर और बाबर और किसके बीच में यहाँ पर बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया है ठीक है तो ये पॉइंट याद रखेंगे ऐसे करके आपने युद्ध भी याद कर लिए ठीक है अगला क्वेश्चन कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है यह भी क्वेश्चन आपका क्लास से आया है कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया किसने करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इस ऐबक ने जो है पहली मंजिल बनवाई थी सिर्फ पहली मंजिल फिर बाद में दूसरी तीसरी और चौथी मंजिल जो है वो अल्तुतमश ने बनवाई है अल्तुत्तमश ने बनवाई है और फिर इसकी जो पांचवी मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है फिरोज शाह ने बनवाई है और यह सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं तो इसके जो लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई यहां पर कितनी हो जाएगी देखिए कितना प्यारा सवाल पूछा और बहुत ही आसान सा सवाल भी आप लोगों के सामने ये आ जाता है है ठीक भाई बहुत ही बढ़िया चलिए ठीक है चलो फटाक से बताओ कुतुब मीनार कितने मीटर का है तैतालीस मीटर का है ठीक है तैतालीस मीटर का है और ग्यारह सौ तिरानवे में इलेवन नाइनटी थ्री में इसको क्या किया गया था इसका काम बनवाना शुरू किया गया था तैतालीस मीटर नॉट तिहत्तर मीटर फोर्टी थ्री तो ये आप लोगों को गलत नहीं करना है फोर्टी थ्री मीटर का है सेवेंटी थ्री मीटर का नहीं है भाई ये फोर्टी थ्री मीटर का है ठीक है भाई चलिए भाई बहुत ही बढ़िया <coughs> एक सवाल यहाँ से और पूछा जाता है कि इसकी जो पहली और दूसरी और तीसरी मंजिल है वो किसकी बनी हुई है और चौथी और पांचवी मंजिल है ये किसकी बनी हुई है ऐसे करके भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है जब इसकी हाइट पूछी है तो ये भी पूछ सकते हैं तो पहला दूसरा तीसरा जो है ये रेंड जो लाल बलुआ पत्थर जो आता है लाल बलुआ पत्थर इस लाल बलुआ पत्थर से इसको बनवाया गया इसकी शुरू की तीन मंजिलें ठीक है और जो ऊपर की दो मंजिलें हैं यानी कि चौथी और पांचवी मंजिल है वो याद रखेंगे मार्बल से बनवाई गई है तो मार्बल मार्बल और सैंडस्टोन जो आता है मार्बल सैंड स्टोन से इसको बनवाया गया है ये भी आप पॉइंट याद कर लीजिएगा ठीक है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे तैतालीस मीटर का आंसर होना चाहिए तिहत्तर कैसे हो गया ये फोर्टी मीटर होना चाहिए था तिहत्तर में क्या है गलत लगा हुआ है ठीक है तिहत्तर होगा आई थिंक तिहत्ती होगा सेवेंटी थ्री होगा हो हाँ तैतालीस नहीं है तेहत्ती है तेहत्सर वाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये तेहत्ती है तैतालीस नहीं है तिहत्ती है सेवेंटी थ्री है तो ये तेहत्तरी है सेवनटी थ्री है तैतालीस नहीं है ग्यारह सौ तिरानवे में बना था तेहत्री होगा ही होगा ठीक है करेक्ट है सेवेंटी थ्री होगा बिल्कुल सही है तैतालीस किसे किसे चेंज किया ये टीना यादव रुचि यादव और कौन कौन चेंज किया था आंसर अपना अपना देखे तैतालीस तिहत्तर से तैतालीस कौन कौन किया था आ, गर्मा दुबे ठीक तो है आप लोगों ने चेंज क्योंकि आंसर जब तिहत्तर था तिहत्तर लगा रहे थे उसको चेंज करने की क्या जरूरत थी नहीं तैतालीस नहीं है तिहत्तरी है तिहत्तर है सेवेंटी थ्री मीटर यहाँ पे हो जाएगा सेवेंटी थ्री मीटर यहाँ पे हो जाएगा याद रखेंगे इसमें जो ब्रेकेज है वो ब्रेकेज यहाँ पे शायद आता है फोर्टी थ्री मीटर का ठीक है बट टोटल इसकी जो हाइट है वो तिहत्तर तो ही है आपको आंसर अपना चेंज करना नहीं चाहिए था ठीक है जिसका किसका किसका सही था जिद्दी गर्ल का सही था बहुत बढ़िया जिद्दी गर्ल ठीक है तो ये चार पाँच पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे ठीक नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से आता है कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जितने भी आपके नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है ये राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को लिखवाए जा चुके हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो नेशनल पार्क से भी सवाल आ रहा है तो कांस्टेबल में भी आप लोगों का नेशनल सवाल वो आपका आ सकता है यानी कि पूछे जा सकते हैं यहाँ से तो ये आपका जो राष्ट्रीय पार्क है वो आप लोगों को क्या करने है याद कर लेने हैं ठीक है बात चलो तो पापीकोंडा कर्नाटक में नहीं है राजस्थान में नहीं है मध्य प्रदेश में नहीं है कहाँ पर पाया जाएगा आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा और आंध्र प्रदेश का हो जाएगा यहाँ पर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ठीक है क्लियर हाँ तो जाएगा आपका कौन सा पापीकोंडा हो जाएगा कहां पर ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा ठीक है भाई क्लियर इसीज तो पापीकोंडा चलिए पापीकोंडा हो जाएगा इसके अलावा एक राजीव गांधी नेशनल पार्क पड़ता है तो राजीव गांधी नेशनल पार्क पड़ता है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा इसके अलावा याद रखेंगे आपका श्री वेंकटेश्वर तो श्री वेंकटेश्वर जो है ये भी कहाँ पे पड़ेगा तो ये भी आपका पड़ेगा कहाँ पर बेटा क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में पड़ेगा कर्नाटक की बात करेंगे तो अंसी बांदीपुर बनेरघट्टा तो अंसी करके यहाँ पे पड़ता है अंसी बांदीपुर भी पड़ता है बांदीपुर भी कर्नाटक में पड़ेगा इसके अलावा बनियर घट्टा जो पड़ेंगे वो भी आपका कहाँ पड़ेगा ये भी आपका पड़ेगा कहाँ पर ये पड़ेगा कर्नाटक में पड़ेगा तो ऐसे करके नेशनल पार्क आपको याद कर लेने हैं ठीक है भाई चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी ये भी आपका क्लास से ही सवाल है पूरा का पूरा सवाल क्लास से है उन्नीस से उन्नीस लिखाया जा चुका है आप लोगों को और याद रखेंगे हेरोड डॉम्बर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना और कृषि पर क्या दिया गया था यहाँ पर जोर दिया गया था यह भी करा चुका हूँ मालोनोबिस की बात करेंगे तो दूसरी पंचवर्षीय योजना मालोनोबिस पे थी दादा भाई नोरोजी ने क्या किया पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने ही निकाली थी दादा भाई नोरोजी ने और पर कैपिटा इनकम भी इन्होंने निकाली थी ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ठीक है तो जो जो क्लास कर रहे थे जीकेजीएस की उनको तो मजा आ गया होगा फिर आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ की कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है यह भी क्वेश्चन क्लास में से ही फंसा है पूरा डायरेक्टली कुछ भी चेंजेस नहीं है ऑप्शन तक चेंज नहीं है ठीक है और जो लोग क्लास कर रहे हैं ये झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ ये आपको सामने दिख रहा है कि क्वेश्चन कौन कौन से क्लास से आपके आए हुए हैं ठीक है तो यहां से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से बेटा अगर बात करें तो कौन सा आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा जो कि यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर से संबंधित माना जाता है दो सौ ए दो बी या दो डबल ए तो आर्टिकल की अगर बात करोगे तो से दो सौ जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रशासन के बारे में बताता है टू तो ये भी क्वेश्चन कहां से आया आपका क्लास से फंसा ठीक है मजा आ रहा है अगर सोचो ऐसा उसमें हो जाए क्या बोलते हैं कांस्टेबल में तो कितना अच्छा रहे ऐसा ही होगा टेंशन मत लीजिए आप लोग करते रहिए उसको अच्छे से ठीक है फिर अगला पॉइंट आता है बेटा कि किसने हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है ये भी क्लास से सवाल है और मैं आपको नए स्टेट के बोला था मैंने कि चीफ मिनिस्टर जितने भी हैं नियुक्ति जो हुई है वो याद कर लीजिए अभी हाल ही में जो गवर्नर की नियुक्ति हुई है वो भी याद कर लीजिए क्योंकि रिसेंट के अपॉइंटमेंट जो है वो पूछे जाते थे उस दिन मैंने आपको महाराष्ट्र का भी बताया था और मास्टर क्लास में एक क्वेश्चन कराया गया था मैंने तो महाराष्ट्र का बताया था उसके बाद जो जो चेंज हुए थे वो आप लोगों को लिखाए गए थे याद रखेंगे तो यहाँ पर फरवरी दो में गुलाब चंद कटेरिया जी ने यहाँ पर क्या लिया है ये बनाए गए हैं किसके असम के राज्यपाल बनाए गए हैं तो ये पॉइंट आपको क्या करना है नोट करना है ठीक है यूपीपी में भी आएंगे टेंशन ना लो आप अड़तीस सवालों में अगर तीस सवाल ना फंसे मेरी क्लास से तो कहना ठीक है तब कहना कि सर क्वेश्चन फंसे नहीं आपने पता नहीं क्या पढ़ा दिया बस थोड़ा सा पढ़ते रहिए जो चीजें बता रहा हूं आप लोगों को वो आप लोग करते रहिए ठीक है थीके? तो भी आपका क्या हो जाएगा फायदा होगा ठीक है चलो भाई अगला पॉइंट आता है कि जीएसटी स्टैंड्स फॉर ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से ही है बेटा जीएसटी के बारे में तो सब बता चुका हूं मैं आप लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इसमें होते हैं ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है क्लास में से ही क्वेश्चन आया है एक जुलाई 2017 को ये लागू हुआ है फ्रांस ने सबसे पहले इसको लागू किया था 101 क्या हो जाएगा संशोधन हो जाएगा क्या पूछेंगे जो पूछेंगे सब बता चुका हूँ चार तरीके की होती है सी यानी कि सेंट्रल जीएसटी हो जाती है फिर आपका एक हो जाएगी आपकी दूसरी आपकी स्टेट जीएसटी हो जाती है एक आपकी यूनियन टेरिटरी जीएसटी हो जाती है यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक आपकी इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाती है तो आई जीएसटी हो जाएगा पांच इसकी स्लैब है जीरो परसेंट पाँच परसेंट बारह परसेंट अठारह परसेंट अट्ठाईस परसेंट तो जीरो परसेंट पाँच परसेंट बारह परसेंट अठारह परसेंट और अट्ठाईस परसेंट तो ये क्या हो जाएंगी हमारी पाँच क्या हो गई हमारी स्लैब हो गई जिसमें आपका टैक्स लिया जाता है तो ये क्या हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस को उसमें मिलाकर एक कर दिया गया है ठीक है बढ़िया अगला सवाल देखते हैं बेटा भीतरगांव टेम्पल इज सिचुएटेडेड ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से ही फंसा अगर आप मेरी क्लासें कर रहे होंगे तो ये इसलिए मैं कहता हूँ मेरी क्लासें आप लोग करते रहिए अब आप लोगों के सामने देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है चिल्लाने से कुछ नहीं होता है बहुत ज़्यादा गला फाड़ फाड़ पढ़ाने से कुछ नहीं होता है आपके कंटेंट में दम होना चाहिए और कंटेंट आपका पेपर में फंसना चाहिए और जितने भी एग्जाम आपके यूपी के कराए गए हैं पीटी को अभी करंट अफेयर्स अगर स्टेटी वाला पार्ट छोड़ दें ठीक है तो आप लोगों को वहाँ भी आपको क्वेश्चन मिले चाहे वो लेखपाल हो चाहे वीडियो कोई भी एग्जाम रहा हो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन आपको मिनिमम मिलते ही मिलते हैं मेरी क्लास में से ठीक है तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा आपका अगर पूछा जाए आप लोगों से अगर मृतरगांव की बात करेंगे तो टेम्पल मैं बता चुका हूँ और मैंने ये भी बताया था कि ये कानपुर में है और ये भी बताया था कि ईंटों से बना हुआ है जो ईंटें होती हैं उन ईंटों से बनाया गया था ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ठीक है ये भी बता ब्रिक्स से बना हुआ इंटो से बना हुआ है तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ लक्ष्मण लक्ष्मण जी की मूर्ति थी लक्ष्मण जी का मंदिर माना जाता था लक्ष्मण जी की मूर्ति चोरी हो चुकी है बिल्कुल सही बात हो जाएगी तो इतनी चीज़ें हैं ठीक है भाई वेरी गुड बहुत ही बढ़िया चलिए भाई बहुत बढ़िया ठीक है चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है मैंने अभी पेपर देखा नहीं है आपके सामने पूरी पीपीटी पी खोल रही है जो पीपीटी है मैंने अभी क्वेश्चन देखे नहीं है अब क्वेश्चन देखो आपका आपके सामने आता है कि आर्टिकल 22 टू ये भी मैं क्लास में करवा चुका हूं और आपको एक टीचर से क्या चाहिए पूरे पूरे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली क्लास में से आ रहे हैं और क्या चाहिए और क्या बच्चे की जान लोगे क्या हाँ तो यहां से देखेंगे संविधान अनुच्छेद बाईस क्या कहता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव का अधिकार देता है संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है एक्सप्ल्टन की बात करेंगे तो आर्टिकल तेईस चौबीस हो जाएंगे और राइट टू एजुकेशन की बात करेंगे आर्टिकल ट्वेंटी वन ए हो जाएगा तो बचता कौन है ये बचता है आर्टिकल क्या हो जाएगा हमारा बाईस हो जाएगा ये सवाल भी कहाँ से है क्लास से है ठीक है चलिए बताता हूँ आप खुद ही देख लीजिए कितने क्वेश्चन थे टोटल काउंट आपके सामने है और जिसमें भी क्वेश्चन पेपर आया है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सी यानी कि क्लास से आया है तो लास्ट में काउंट कर लेंगे कितना परसेंटेज पे क्वेश्चन जो है मेरी क्लास से फंसे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कॉन्स्टेबल का तैयारी करते रहिए किसी भी बहकावे मत आइए जो क्लासें चल रही हैं आप लोगों की बारह बजे दो बजे सवा बजे साढ़े बजे ये करते रहिए इसके अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ठीक फिर आगे आते हैं बेटा कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ द ईरान ये भी क्वेश्चन क्लास से आया है मैंने आपको ईरान वगैरह की करेंसी करवा दी है चाहे वो रेमबीबी रियाल रूबल दिनार इनमें से कौन सी करेंसी आपकी हो जाएगी ईरान की करेंसी की बात करते हैं तो तो ये मैंने आपको बताया था कि जो ईरानियन रियाल होती है ईरानियन रियाल और ये ईरानियन रियाल जो है ये करेंसी है किसकी ईरान की, की क्योंकि ये सब कंट्री कहाँ है न्यूज़ में है और जो करंटी जो कंट्री न्यूज़ में होती हैं करंट अफेयर्स में होती हैं वो आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं तो ये बात याद रखेंगे ठीक है तो ये भी मैं आप लोगों को करा दिया था वेरी गुड बहुत ही सुंदर आगे बढ़ा जाए चलिए अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया है शायद क्लास से ही होगा निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता था देखिए ये भी क्वेश्चन क्लास से पूछा गया है मैं आपको कितना बता चुका हूँ इन्होंने आठ सुल्तान के अंडर में काम किया है इनको दस दरबारी कहा जाता है ये भी बता चुका हूँ इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे अलाउद्दीन खिलजी और इनको तोता ये हिंद की उपाधि भी दी गई थी तो पैरट ऑफ इंडिया या तोता ये हिंद भी इनको कहा जाता है और ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं चुका हूं चाहे वो तानसेन हो चाहे वो इवन बतूता हो मोरक्को से आए हो चाहे अमीर खुसरो हो चाहे जियाउद्दीन बरोनी हो तो आंसर क्या हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएगा सवाल पूछोगे तो पूछोगे कहाँ से सिंपल सी बात यह है ठीक है तो सवाल पूछोगे पूछो कहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बसटाइल क्वेश्चन कराया है कुछ भी छूटा नहीं है टेंशन ना लेना ठीक है तो सी हो जाएगा ये भी क्लास से है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शामिल है तो द वैलिडेशन ऑफ द सर्टन एक्ट एंड द रेगुलेशन कंटेंस विध शेड्यूल ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सारे मैं आप लोगों को सूचियाँ भी आपको करवा चुका हूँ ग्यारहवीं अनुसूची चौथी अनुसूची या फिर यहाँ पर नौवीं अनुसूची या फिर बारहवीं अनुसूची ये भी क्वेश्चन आपके क्लास में से ही पूछा गया है तो जो शेड्यूल हो जाएगा उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो नाइन्थ शेड्यूल होगा यानी कि जो नौवीं अनुसूची होगी और ये नौवीं अनुसूची जो है किसके अधिनियमों और विनियमों के सत्तापन में भारतीय संविधान की सूची जो है वो शामिल <coughs> है खभा खड़ी सर खम्मा खड़ी खम्मा खड़ी चलिए भाई राजस्थान से हैं आप ठीक है भाई आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है और नौवीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ उन्नीस इक्यावन में 1951 में जो आपका पहला संशोधन हुआ था इस पहले संशोधन के तहत में इस सूची को जोड़ा गया था यह भी मैं आपको लिखा चुका हूं और क्या चाहिए बताइए ठीक है क्लियर बहुत बढ़िया ठीक है ये आपका जो रेडियो ऑपरेटर का भी एग्जाम हुआ है रेडियो ऑपरेटर में आपका जो क्या बोलते हैं आप वर्कशॉप स्टाफ अनर, आ, का पे, पेपर जो हुआ है उसका आपका पूरा है तो पुलिस के एग्ज़ाम है सारे सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कांस्टेबल का लेवल अभी क्या रहने वाला है तो बिल्कुल घबराइए मत लेवल ज़्यादा टफ नहीं होगा फिर आगे बढ़ते हैं कि किस बाया ने बंगाल विभाग की घोषणा की है देखिए ये भी क्वेश्चन क्लास से ही फंसा है तो लॉर्ड कर्जन लॉर्ड मिंटो द्वितीय लॉर्ड लेट्टन या फिर लॉर्ड बेलेजली इनमें से इनमें से देखिए और क्या चाहिए यार पूरा पूरा पेपर आपका आउट है पूरा पूरा पेपर आउट है ठीक है तो यहां से देखेंगे मैंने बता चुका 1905 में विभाजन हुआ है किसने करवाया था लॉर्ड कर्जन ने करवाया था इस विभाजन को रद्द कब करा गया 1911 में करा गया किसने किया लॉर्ड हार्डिंगे ने किया लॉर्ड हार्डिंगे ने इसको दो में क्या किया रद्द किया और वेस्ट बंगाल जो आज आप देख रहे हैं उसके अलावा जो ईस्ट बंगाल और आपका असम वाला एरिया जो था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था तो ये सब आपको बता चुका हूँ इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ उन्नीस में तो ये भी आपका क्वेश्चन आपका क्लास से फंसा है फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द म्यांमार तो ये म्यांमार के बारे में तो कितने गाने मैंने गाए हैं आप लोगों क्लास में मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन ठीक है तो ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को और म्यांमार की राजधानी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी और ये राजधानी मैंने आप लोगों को लिखाई हुई है ठीक है बात तो हो जाएगा ना पी नेपिडा तो नेपिडा या नेपिडा करके जो है राजधानी हो जाएगी यहाँ पर किसकी म्यांमार की मनीला जो है वो फिलीपींस की राजधानी है मनीला फिलीपींस की राजधानी हो जाएगी कौन सी मनीला हो जाएगी प्योंगयांग यहाँ पे दे रखा है प्योंगोंग की बात करेंगे तो ये जो नॉर्थ कोरिया आता है उस नॉर्थ कोरिया की राजधानी हो जाएगी कौन सी आपकी प्योंगोंग हो जाएगी इस्लामाबाद की बात करेंगे तो किसकी राजधानी है सबको पता है पाकिस्तान की राजधानी मानी जाती है तो यहाँ से देखो आइडिया लग रहा है आप लोगों को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगला देखते हैं सवाल क्या आता है भगवान करे क्लास से ही हो ठीक है पुरुष आईपीएल 2023 का विजेता कौन है मैंने आपको आईपीएल पढ़ाया था आप लोगों को लग रहा होगा सर आईपीएल क्यों पढ़ा रहे हो आईपीएल का मैंने पर्पल कैप ऑरेंज कैप किसने जीता कितने विकेट लिए कौन सी ट्रॉफ़ी थी ये सब कुछ आपको क्लास में लिखा है जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा ठीक है और ये देखिए ये भी आपका क्लास से सवाल है ठीक है क्लास से सवाल है किसने जीता अभी आपका दो ठीक है तो मैंस आई की बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता इनका कौन सा खिताब हो जाएगा पांचवा खिताब हो जाएगा मुंबई की बराबरी इनने कर ली है गुजरात टाइटन टाइटन क्या था रनअप था यहाँ पर जो कि क्या हुआ इनसे हार गया तो ये भी क्वेश्चन देखिए क्लास से फसा है राइट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आता है आपका कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन आपकी क्लास में से ही फसा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये भी मैं बता चुका हूं बोलो नहीं कराया एक भी चीज आप लोग कमेंट करके बता दी सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया जो जो मैं लिख रहा हूं जो मैंने नहीं कराया दो क्वेश्चन वो मुझे पता है मैंने नहीं कराया उसकी गारंटी नहीं लेता हूं बाकी क्वेश्चन आप देखोगे अभी तक 21 हो चुके हैं 21 में से 19 सवाल आपके क्लास से फंसे हैं और ज्यादा पुरानी नहीं इसी एक महीने की क्लासों से फंसे ठीक है तो आप सोचो कि आप लोगों के लिए कॉन्स्टेबल क्लास मेरी कितनी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो खैर नौ जनवरी एक फरवरी आठ मार्च पच्चीस मार्च अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कब आठ मार्च को मनाया जाता है तो आठ मार्च को ये मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा किस वर्ष में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अब मत कहना कि सर पेपर आउट करा दिया आपने तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लास से है इसके बारे में बता चुका हूँ कि राजा राम राय हुआ करते थे और फिर बाद में आते हैं इंडिया में कौन विलियम बेंटिक आते हैं और विलियम बेंटिक यहां पर क्या निकालते हैं एक एक्ट निकालते हैं और वो एक्ट आपका निकाला जाता है कब 1829 में निकाला जाता है 1829 में निकाला जाता है और 1800 1829 में क्या हुआ था यहां पर ऑपरेटर का एनालिसिस है एग्जैक्ट अभी सिंह ऑपरेटर का एनालिसिस है तो जो ऑपरेटर ऑपरेटर चिल्ला रहे थे आप लोग कब क्लास होगी इससे अलग से क्लास कराइए मैं आपसे क्या बोलता हूँ जी की जी आप करते रहिए छह महीना मुझे दे दीजिए एट्टी क्वेश्चन आप लोगों के होने लगेंगे वनडे एग्जाम में ठीक है इससे ज्यादा प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ अठारह सौ ठीक है तो इसको आप आराम से लिख लीजिए तो ये भी क्वेश्चन क्लास से हो गया बाईस में से बीस हो गए ध्यान रखना फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी ये भी बता चुका हूं उन्नीस सौ बयासी में कितनी बार चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को लिखाया हूँ उन्नीस सौ बयासी कितनी बार बोला है आप लोगों से. तो ये क्वेश्चन भी क्लास से है देखिए ठीक है गुड इवनिंग समीर खान गुड इवनिंग तो जुलाई को क्या करी गई थी इसकी स्थापना करी गई थी ठीक है बोलो हाँ या ना मजा आ रहा है एक बार मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए सारे बच्चे और एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सारे लोग जितने लोग भी हैं यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना इसकी फुल फॉर्म भी करवाई गई थी ठीक है बेटा माफ कर दीजिए माफ करना क्या होता है बदतमीजी करोगे टीचर से टीचर तो छोड़ दो कम से उम्र में तो थोड़ा उम्र का लिहाज कर लो तुमसे कुछ नहीं तो चार पाँच साल तो बड़े ही होंगे मैं हम ठीक है तो तुम ऐसी बातें करते हो टट्टी बोलते हो पता नहीं क्या क्या बोलते हो लड़कियों पर कमेंट करते हो तो फिर इग्नोर करना पड़ेगा ना दोस्त ठीक है बाकी आपकी इच्छा आप जो करना चाहें करते रहिए ठीक है थीके? आप स्वतंत्र हैं आर्टिकल ट्वेंटी वन है आपके पास में ठीक है आप बोलिए उन्नीस भी है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है ठीक है खैर तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लास से फंसा है उसके अलावा देखिए अगर मैं बात करता हूँ विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं अरे भगवान ठीक है क्लास जिसने करी होगी एक महीना में उसके बल्ले बल्ले हो गए होंगे जीके जीएस में जिसने नहीं करा होगा उसके ठल्ले ठल्ले हो गए होंगे ठीक है तो देखो ये भी क्वेश्चन तो आपका क्लास है विश्व हिंदी दिवस का मनाया जाता है छह जनवरी सात जनवरी नौ जनवरी दस जनवरी इनमें से कब मनाया जाएगा तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका दस जनवरी को मनाया जाता है इसकी बात करेंगे यहाँ पर तो डी आंसर क्या होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक है ठीक है बंबर सूरज जी क्लास तैयारी कैसे करिए यूपी पुलिस की मेरी क्लास करते रहिए और कुछ मत करिए ठीक अब तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ फिर से भी बता रहा हूँ यार ये देख के कॉन्फिडेंस खुद में आता है कि यार टीचर के जैसे मेरी जगह अगर आप खड़े होंगे तो आपको क्या चाहिए क्वेश्चन फंसे यही तो चाहिए होगा लोगों के पांच छह सवाल फंस जाते हैं तो लोग भाड़कम मचा देते हैं और यहाँ तो अभी तक चौबीस में बाईस सवाल क्लास से फंस चुके हैं तो खुद में अच्छा लगता है कि चलो मैं बच्चों को सही कंटेंट दे रहा हूँ अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ बच्चों के एग्जाम में क्वेश्चन फंस रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है ठीक है क्लियर है चीज़ चलो आगे बढ़ेंगे तो ये जनवरी दस हो जाएगा यहाँ पर और अगर बात करें हिंदी दिवस की बात करेंगे हिंदी दिवस आपका चौदह सितंबर को मनाया जाता है मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में कब इसको अपनाया गया कब क्या हुआ कौन सा आर्टिकल हो जाएगा चौबीस सितंबर हो जाएगा ठीक है तो ये आपका हिंदी दिवस हो गया उसके अलावा जैसे कि आर्टिकल कौन सा जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल तीन हो जाएगा थ्री थ्री हो जाएगा ये सब चीज़ें भी आप लोगों को बता चुका हूँ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ठीक है तो ये भी बता चुका हूँ बाईस भाषाओं को क्या है आपकी मान्यता प्राप्त है ठीक है भाई चलिए अगला पॉइंट आता है बेटा कि मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था चाहे खजुराहो की बात करो चाहे एलिफेंटा की बात करो चाहे जनता की बात करो ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखो ठीक है चलो भाई तो अब देखो यहाँ से मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस किस राजवंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था पीटी की बात कर रही हैं दुबे जी आप अगर दुबे जी पीटी की बात कर रही हैं तो आपको बता दूं करंट अफेयर्स और स्टेटिक मैंने नहीं पढ़ाई थी मैंने सिर्फ तीस नंबर का पढ़ाया था जो नॉर्मल जी के आती तीस क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा आप कम से कम बीस बाई सवाल वहाँ भी फंसे हैं ठीक है तीस क्वेश्चन में बीस बाई सवाल वहाँ भी फंसे यानी कि वहाँ भी आपका सत्तर अस्सी क्वेश्चन वहाँ भी फंसे ठीक है बाकी स्टडी करंट मैंने कराई नहीं थी तो उसका मैं जिम्मा लेता नहीं हूँ ठीक है अभी आपको पूरा करा रहा हूँ तो पूरी जिम्मा ले रहा हूँ यहाँ पर ठीक है तो यहाँ देखो आप किस डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था अगर इसकी बात करेंगे तो आसान सा क्वेश्चन है और चंदेला डायनेस्टी हो जाएगी वो चंदेला डायनेस्टी ने बनवाया था और ये मंदिर कहां पर है खजुराहो का मध्य प्रदेश यानी कि एम पी में है ठीक है अगला देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है अगला भी क्लास से ही ना हो कहीं महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 9 मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है यह सवाल मैंने नहीं कराया है जिसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं क्यों करंट अफेयर्स मैं आपको आजकल नहीं करा रहा हूँ इसलिए करंट अफेयर्स के सवाल जो क्लास में लेके आता हूँ उसमें कुछ फंस गए होंगे ठीक है तो तीन हज़ार मीटर दौड़ स्पर्धा में नौ मिनट से कम समय में दौड़ पूरा करने की अगर बात करेंगे ठीक है तो वो अगर बात करते हैं बेटा तो कौन हो जाएगा यहाँ पर इनका नाम क्या हो जाएगा तो पारुल चौधरी जो पारुल पारुल चौधरी हो जाएंगी पारुल चौधरी हो जाएंगे यहाँ पर तो ये आप नोट करेंगे पारुल चौधरी तो डी आंसर यहाँ पर राइट होगा हाँ ये रेडियो ऑपरेटर पेपर है आपका वर्कशॉप स्टाफ का पेपर है ये ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा आगे आता है कि किरचॉफ के नियम को किस पर लागू किया जाता है अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो मैंने आप लोगों को एक बार डायग्राम बना के दिखाया था कि अगर यहाँ से आई करंट जाता है दो अगर सर्किट होंगे तो यहाँ पर आई वन हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आई टू हो जाएगा और आई वन प्लस जो आई टू होता है ये एज्वल टू क्या हो जाएगा आई हो जाएगा और यही क्या होता है क्रिचॉप्स का क्या हो जाएगा लो हो जाएगा तो ए सी नेटवर्क के लिए है डी सी नेटवर्क के लिए है किस नेटवर्क के लिए हो जाएगा तो ये याद रखेंगे यहाँ पर बेटा ये कोई भी सर्किट हो करंट की बात करता है चाहे वो ए सी करंट हो चाहे वो डी सी करंट हो दोनों ही करंट के लिए काम करता है तो बोथ यानी कि ए सी और डी सी दोनों हो जाएंगे और इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है इनडायरेक्टली वे में ठीक है चलो भाई तो ये भी पॉइंट क्या करेंगे नोट कर लेंगे अगला सवाल आता है कि संवेद का आयामी सूत्र क्या होता बता है बताइए मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला डिट्टो सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली यही कराया है आप लोगों को मोमेंटम का टॉर्क का करा चुका हूं फोर्स का लिखा चुका हूं एनर्जी का करा चुका हूं ठीक है क्लियर है चीज़ ठीक <laughs> है डरिए मत आप क्लास करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है डरने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं तब तक तो डरने की जरूरत नहीं है मोमेंटम की बात करेंगे तो मास इंटू क्या हो जाता है वेलोसिटी हो जाता है मास वेलोसिटी मास को एम हो जाएगा तो उसको एम से ही लिखेंगे वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो मीटर क्या लिखेंगे एल लिखेंगे और इधर आपका क्या हो जाएगा अपॉन टी यानी कि टी की पावर माइनस वन लिखेंगे तो एम वन एल वन इंटू टी की पावर माइनस वन हो जाएगा यानी कि बी आंसर यहाँ पर राइट right होगा और ये क्वेश्चन भी आपका क्लास से फंसे हैं ये भी मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं ठीक है क्लियर चीज चलो आगे बढ़ते हैं फिर अगला आता है अंकित भाई क्या बोलना चाह रहे हो आप बताइए अंकित जी क्या बताना बोलना चाह रहे हैं पूछिए एक बार आप क्या पूछना चाह रहे हैं देख नहीं पाया मैं आपकी कमेंट क्योंकि वो सलमान भाई इतनी कमेंट किए जा रहे हैं बताओ क्या कमेंट करना चाह रहे हो आप क्या पूछना चाह रहे हैं पूछिए फटाख से एक बार देखें बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं भाई हाँ अंकित जी बताइए तो कमेंट क्या है आपकी आप कमेंट ऊपर चलेगी उसको ऊपर पढ़ने थोड़ी जाएंगे जो कमेंट है उसको दोबारा डालो ठीक चलो खैर आगे बर्नोली का प्रमेय जो बर्नोली की थ्योरम है ये अप्लाई टू विच फ्लो ठीक है तो जो बर्नोलीज थ्योरम होती है ये मैंने नहीं कराया आप लोगों को तो इसके लिए बर्नोली के बारे में बात नहीं करूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि बर्नोली की थ्योरम जो है ये किस पर लागू होती है ये बताना है तो ये थ्योरम जो है आप देखेंगे चाहे वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो इस पर भी लागू होती है चाहे एस हो ठीक है एस टी डी हो इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो तीनों क्या हों जब संयुक्त रूप से होंगे इनकम्प्रेसिबल हो एस हो और नॉन विस्कस यानी कि गैर गैरसयान हो तब आपका क्या लगता है बर्नौली का थ्योरम यहाँ पे लगती है बर्नौली का पीएम लगता है ठीक है भाई क्लियर आगे बढ़ते हैं फिर अगला पॉइंट आता है बेटा कि चालकता की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसका फॉर्मला भी लिखाया था कंडक्टिविटी क्या होती है रेजिस्टेंस क्या होता है तो ये सब मैं आप लोगों को करवा चुका हूं पहले ही आप लोगों को लिखा चुका हूं ठीक है <coughs> <coughs> तो ये चालकता है कंडेक्टिटी कंडेक्टिविटी बात करेंगे तो मोह पर मीटर होता है एम <coughs> एच पर मीटर होता है ये भी याद रखेंगे ठीक है तो ये भी आपको लिखवाया जो चुका है और डी आंसर क्या हो जाएगा इसमें नोट करेंगे तो इसको लिखेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए पर ओम पर ओम पर मीटर होता है तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ठीक है तो आपका डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक बहुत ही बढ़िया अगला क्वेश्चन अगला आता है कि गैस स्थिरांक यानी कि आर का मानक क्या हो जाता है ये नहीं कराया मैंने जो कांस्टेंट होता है जो गैस कांस्टेंट होता है आर यानी कि जो पी बी यूज आप एनआर करते हैं पी बी यूजी इस पी बी यूज एन में जो गैस कांस्टेंट यानी कि जो आर होता है ये आर की बात करेंगे तो ये आर की वैल्यू जो हो जाती है वो कितनी हो जाएगी ठीक है तो एट जूल पर कैलविन पर मोल होती है तो एट जूल पर केल्विन और पर मोल करके आपका आता है यहाँ से पर केल्विन पर मोल तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर यहाँ पर राइट होगा सी आंसर यहाँ पर राइट होगा तो एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा तो सी इज़ दी राइट आंसर ठीक है भाई क्लियर है बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगला था है ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में मैंने कराया हुआ है कई बार सारे मीटर मैंने आपको लिखाए हुए हैं देखो जो जो मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं आप अगर नोटिस करोगे तो 80 90 परसेंट फंसा है अभी क्वेश्चन काउंट करेंगे कितने क्वेश्चन आए हैं टोटल उसमें कितने फंसे हैं क्लास से ठीक है तो यूपी कॉन्स्टेबल जो तैयारी कर रहे हैं उनको मजा आएगा ठीक है चलो अंकित भैया क्या पूछना चाह रहे हैं दोबारा पूछ लीजिए कमेंट डाल दीजिए क्या कमेंट है अंकित की आप लोग बता दीजिए तो दोबारा बोलेंगे नहीं ठीक है चलो तो अर्थ को एक नापता है रेनफॉल ओशियन की डेफ्थ नापेगा सिंपल सी बात है ये महासागर की गहराई नापेगा जिसको बोलेंगे फैदो, मीटर बोलेंगे अर्थ को एक जो है स्केल जाता है है स्केल नापा नापा जाता तो ये पे जाएगा ठीक भाई आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट आता है, है से कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड ये भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराया जा चुका है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है हिस्टोलॉजी कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं टेक्सोनोमी कहते हैं इनमें से क्या कहेंगे यूपीपी का कट ऑफ कितना है ठीक है बेटा अभी हम कट ऑफ नहीं बता पाएंगे पेपर हुआ नहीं अभी पेपर होने के बाद बताएंगे आई एम नॉट ब्रह्मा अभी तो आप तैयारी करिए 230 240 नंबर लाने की कोशिश करिए ठीक है कट ऑफ छोड़ दीजिए अभी पढ़ाई पर ध्यान लगाइए ठीक है अनकेत बाबू ठीक चलो तो आप क्या करिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कट ऑफ मत सोचिए अभी कट ऑफ पेपर हो जाएगा तब बताएंगे ठीक तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसको आसान से साइटोलॉजी इसको कहा जाता है ये पॉइंट नोट करेंगे ठीक है चलो तो आसान सा सवाल हो गया नेक्स्ट आता है कि मायोपिया देखो इस पर तो मैंने पूरा रील बनाई हुई है अच्छा इसकी जो रील बनाई थी ना मैंने जो ट्रिक वाली मायोपिया माईपिया और हाइपर माइड्रोपिया आप लोगों को बता दूँ मैंने डाला था उसको इंस्टाग्राम पे आई थिंक उस पर चालीस हज़ार के आसपास व्यूज़ आ गए बाकी रील्स भी मेरे नहीं आए बट ये जो रील डाली थी चालीस समथिंग कुछ यहाँ पे व्यूज़ आए थे जो मैंने ये ट्रिक बनाई थी इसकी जो खुद की मेरी ट्रिक है मायोपिया की बात करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से ही है जिसको नियर साइटनेस कहते हैं मायोपिया मतलब मेरे पिया तो मायोपिया मतलब मेरे पिया और मेरे पिया जब आप क्या क्या होंगे पास में होंगे तो आपको कहाँ दिखेगा पास का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा अब पिया पास में होंगे तो पिया कहाँ होंगे तुम्हारे सामने होंगे तो रेटिना के सामने क्या बनती है इसकी इमेज बनती है और याद रखेंगे कि इसकी इमेज अगर इसके सामने बनेगी तो इसको यहाँ पर लाने के लिए हम किस मिरर का किस लेंस का यूज़ करेंगे तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर आपका जो कॉनकेब लेंस होगा कॉनकेब ये भी ट्रिक से याद किया था मैंने बट वो चीज़ मैं बोल नहीं सकता यहाँ पर कि भाई पिया जब आपके सामने होंगे इमेज आपके सामने बन रही होगी तब कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे ठीक है खैर तो कॉनकेव केव समझ जाइएगा आप बाकी तो आप समझदार हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि फ्राइडे का नियम क्या कहता है फ्राइडे के लॉ क्या कहता है फ्राइडे की बात शायद हम लोग आज ही कर रहे थे आज या कल की थी फ्राइडे की बात आज क्लास में शायद कल की क्लास में किसी दिन तो फ्राइडे की बात हम लोगों ने करी थी ठीक है फ्राइडे की तो फ्राइडे की बात करेंगे फ्राइडे का नियम कहता है क्या फ्राइडे का लॉ आपका पूछा गया है जबकि साइंस मैंने आपको नहीं कराइए फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए आप लोगों के आगे हैं एग्ज़ाम में ठीक है तो फ्राइडे की अगर बात करेंगे तो फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडेज का पहला लॉ जो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हो जाता है और पहला लॉ ये कहता है और फ्राइडे की कौन से नियम की बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर क्योंकि फ्राइडे का एक नियम नहीं है फ्राइडे का जो पहला नियम है <coughs> जहाँ तक मुझे याद है फिजिक्स आई के टाइम पर तो फ्राटिक का एक पहला नियम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का और एक आपका दूसरा नियम है तो पहला नियम आप पहला नियम पूछा होगा ऑब्वियसली यहाँ पर वो कहता है कि द इंड्यूस्ड एम एफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्रेरित एम एफ चुम्बकीय अविवाह के परिवर्तन के दर के समानुपातिक होता है यह भी याद रखेंगे क्लियर है चीज तो ये आपका क्या है आपका पहला लॉ हो जाएगा ठीक है ये पहला हो जाएगा और दूसरा इनका जो लॉ कहता है वो लो क्या कहता है आपका ई इजल टू माइन ई इज टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी अब एन क्या है एन का मतलब होता है नंबर ऑफ़ लूप्स होते हैं तो कोई भी अगर मान लीजिए ऐसे है तो इस तरीके से जो तो वो आपका जितने टर्न होंगे वो एंड हो जाएगा फाइव मतलब फ्लक्स हो जाता है टी मतलब टाइम हो जाता है ठीक है तो ऐसे करके पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे साइंस आपको इतनी से साइंस कॉन्स्टेबल में नहीं आएगी फिर आगे बढ़ते हैं कि कैपलर के पहले नियम को किसके रूप में जाना जाता है और ये मैं आपको ज्योग्राफी में करवा चुका हूँ कैपलर का नियम जब का ऑर्बिट घूमती है इनके तीन लॉ हैं तीनों लॉ आप लोगों को लिखा चुका हूँ तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लास से है और पहला नियम इनका ये कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट लॉ ऑफ एरियाज लॉ ऑफ पीरियड इनमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा तो कैप्लर की बात करते हैं तो कैप्लर का आपका जो पहला नियम हो जाएगा पहला नियम किसके किसके बारे में है तो ये लॉ ऑफ ऑर्बिट के बारे में है इन्होंने बोला है कि जो सूरज के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो कर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में लगा रही है ठीक है तो आपका पहला हो जाएगा दूसरे की अगर बात करेंगे तो दूसरा किसके बारे में है लॉ ऑफ एरियाज के बारे में है तो ये सेकेंड लॉ हो जाएगा लॉ ऑफ पीरियड की बात करेंगे तो ये आपका तीसरा नियम हो जाएगा तो तीन कैप्लर के नियम है ठीक है ये भी क्वेश्चन क्लास से ही आया है ठीक है बढ़िया अगला आता है कि चलो ये तो पहले लिखा हुआ आगमिडीज प्रिंसिपल आप लोगों को याद होगा तो आगमिडी प्रिंसिपल भी आपको कराया था एक दिन मैंने आपको पीपीटी खोल के दिखाई थी यहाँ पर तो ये यही कहता है कि जब एक पिंड को तरल में डुबाया जाता है तो वो उर्द्वगामी थ्रष्टकार करता है विस्थापित किए गए तरल के वजन के बराबर होता है जितना वेट होता है उतना ही पानी क्या करेगा वो डिस्प्लेस करता है तो ये क्वेश्चन भी आपको कराया जा चुका है और ए आंसर यहाँ पर राइट होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला आता है बेटा कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो तीन गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबंध का निर्माण करता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द टू ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर तो उसके सामने रखा जाएगा और ये बताना आप लोगों को कितना यहाँ पर बनेगा तो उसका फॉर्मला आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है भाई मेर फॉम्ला की बात करेंगे तो मेर फॉर्मला होता है बनअपन एफ इजकअल टू बनपन वी प्लस बनापन यू बना और पूछा क्या गया है फोकस दूरी पूछी गई है ठीक है u कितना हो जाएगा u की बात करेंगे तो u हो जाएगा आपका ये माइनस ट्वेंटी हो जाएगा मैग्नीफिकेशन कितना है मैग्नीफिकेशन इसका तीन दे रखा है तीन गुना हो जाता है और अगर मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है माइनस वी अपान यू होता है और माइनस वी अपान यू की अगर बात करेंगे तो माइनस तीन की अगर बात करेंगे तो माइनस तीन टू और माइनस वी अपान यू कितना दे रखा है आपका माइनस ट्वेंटी दे रखा है तो ये माइनस ट्वेंटी हो जाएगा यानी कि ये ये कट जाएगा और वी कितना हो जाएगा तो वी हो जाएगा यहाँ पे माइनस साठ हो जाएगा अब हमले में अगर रखोगे वन अपान एफ तो बन अपान एफ इज्कल टू अगर रख रहे हो तो ये हो जाएगा आपका वन अपान माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी प्लस और आपका जो है यू कितना है वी कितना है तो साठ हो जाएगा ठीक है तो इसको आप ऐसे कर लो प्लस वन अपान माइनस साठ हो जाएगा यानी कि माइनस वन अपान बीस और माइनस बन अपन साठ साठ इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये माइनस का तीन माइनस का वन तो माइनस चार बटे साठ यानी कि माइनस वन बटे पंद्रह यानी कि माइनस भाई पंद्रह सेंटीमीटर हो जाएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर के आसपास आएगी इसकी फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है पंद्रह सेंटीमीटर शायद क्या होता है कैलकुलेट करिए ना अभी तक मुझे याद है मैं जो ट्वेल्थ पढ़े हुआ कितना टाइम हो गया यार आई टी करे हुए मुझे कितना टाइम हो गया आई टी तैयारी मैंने कब की दो हज़ार ग्यारह में था तो 2011 के बाद ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं है ये सब न्यूमेरिकल नहीं लगाए लेकिन मुझे अब भी याद हैं चीज़ें सारे फॉर्मले सब याद है तुम लोग एक महीने भूल जाते हो पता नहीं कैसी पढ़ाई करते हो और शायद शायद करते हो कॉपी पेन उठाओ लगाओ ठीक है क्लियर हाँ ना? तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना सीखो पेपर भरा करो रब भरा करो हमारे टीचर हुआ करते थे एक जब हम लोगों को तैयारी कराते थे आई के टाइम पर वो कहते थे कि कम से कम दस किलो रफ़ तुमको भरनी है तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे हम लोग पाँच छः किलो रफ़ लेके आए थे अमीनाबाद से लेके आए थे पाँच छः किलो रफ़ उस समय रफ़ आती थी गंदी वाली वो पाँच छः किलो रफ़ भरनी थी ये टारगेट था कि इतनी रफ़ प्रैक्टिस से भरनी है आजकल हम लोग फ़ोन पे पढ़ते हैं यूट्यूब पे पढ़ते हैं लिखते हैं ही नहीं प्रैक्टिस करते ही नहीं है सॉल्व करते नहीं है नोट्स बनाते नहीं है इसीलिए वो चीज़ें हम जल्दी भूल जाते हैं ठीक है खैर कोई दिक्कत नहीं है करते रहिए आप लोग बढ़िया से फिर अगला पॉइंट आता है यहां से बेटा कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ तो द मास पंद्रह किलोग्राम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी चार क्वानिटिक एनर्जी का है और क्वानेटिक एनर्जी मैं आपको क्लास में करा चुका हूं फॉर्मलास का क्या होता है वन पॉइंट टू एम बी स्क्वायर होता है यानी कि वन अपॉइंट टू मास कितना दे रखा है पंद्रह दे रखा है वी कितना दे रखा है चार छो सोलह यानी कि दो अट्ठे सोलह और पंद्रह अट्ठे कितना हो जाएगा एक यानी कि एक जूल बीस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है एक जूल चलिए पाँच किलो रफ़ पाँच किलो रफ़ भरनी होती थी हम लोगों को दो महीने में डेढ़ दो महीने में खत्म करनी होती थी ठीक है एक सब्जेक्ट में करीब दस पंद्रह किलो तरफ भरी होगी हम लोगों ने पाँच किलो रफ़ चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग यकीन नहीं करोगे कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय पर तो आप मतलब सोलह सोलह घंटा सत्तर सत्तर घंटा जो पढ़ाई है ना वो करी हम लोगों ने उस समय पर और सीटें भी कम हुआ करते थे अभी तो आई बहुत ज़्यादा हो गई हैं पहले तो यही गिनते गिन के साथ हुआ करती थी ओनली अब तो बहुत ज़्यादा हो गई सीटें ज़्यादा हो गई हैं और उस समय बताऊँ आप लोगों को कि जैसे फिजिक्स बात करो तो पूरा एस सी वर्मा कम से कम दो दो तीन तीन बार लगा डाली थी डीसी पांडे लगा डाली थी अर्यंत वगैरह की जितनी किताबें आती हैं वो सारी ऑर्गनिक मतलब काफ़ी किताबें लगाई थी इरोडो तक लगा डाली थी इतनी प्रैक्टिस करी जाती थी तब जाके हुआ है चलो आगे बढ़ते हैं तो चार मीटर पर सेकेंड की एक समान बेक से गति कर रही तो हो गया एक 120 जूल सिंपल है अब देखो ये सवाल पूछा गया कि भाई बर्गडन पूछा गया तो ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ क्लास में बर्गडन एचकल टू डब्ल्यू एचकल टू क्या होता है आपको एफ डॉट एस होता है यानी कि एफ एस थीटा होता है ये लिखेंगे अब पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट मूव फाइव मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मतलब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी यही है फोर्स भी यही है तो थीटा कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और कॉस्ट जीरो कितना हो जाएगा आपका बन होता है तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला लगेगा एफ इंटू एस लगेगा तो फोर्स कितना है 125 है 125 125 पच्चीस कितना हो जाएगा पाँच सौ पन्ना पाँच सौ पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस कितना छः सौ पच्चीस ठीक है तो छह होगा अब बात की जा रही है किसकी बगडन की बगडन को किस में नापेंगे आपका इसका बगडन मतलब एनर्जी एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा ठीक है बात तो ये क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा तो ये क्या होगा जूल हो जाएगा तो सिंपल से बात है जूल निकालेंगे छह सौ पच्चीस जूल हो जाएगा तो ये पॉइंट क्या करना आपको नोट करना है तो ये चालीस सवाल आपके आए थे आपके किस में आपके पेपर में रेडियो ऑपरेटर पेपर में अब देखिए चालीस सवालों में से मैं आपके सामने काउंट करता हूं कि क्लास से डायरेक्टली सवाल कितने फंसे हैं आप देख पाएंगे कि एक काउंट करते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात 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 आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस तीस तीस इकतीस इकतीस सवाल एक वो वाला रह गया आपका चंदेला वाला बत्तीस ठीक है तो चालीस में से आपके बत्तीस सवाल आपके क्लास से फंसे हैं तो फोर्टी में से जो थर्टी टू क्वेश्चन है जबकि आप लोगों को साइंस के इसमें बीस सवाल आते हैं और साइंस मैंने आपको करवाई भी नहीं है अलग से तो जी के में जो साइंस है वहीं से क्वेश्चन आए हैं ठीक है तो यहाँ से आप देखो चालीस में से बत्तीस अगर इसकी परसेंटेज निकालिए आप तो बत्तीस बटे चालीस कर दीजिए ठीक है तो यहाँ से जीरो से जीरो गया चार अठ बत्तीस और आठ दशा कितना अस्सी परसेंट मैं आपसे हमेशा लाइन बोलता रहता हूं साठ सत्तर से अस्सी परसेंट क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे ठीक है है कि नहीं है बत्तीस क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से है और क्या चाहिए बच्चे की जान लोगे क्या आप लोग तो क्लास को क्या करेंगे यही हम खत्म करेंगे ठीक है ठीक है यही खत्म करते हैं क्लास को और कोशिश करेंगे दुआ करेंगे कि कांस्टेबल में भी इसी तरीके का चमत्कार हो सत्तर अस्सी परसेंट क्वेश्चन आपके फंसे हो मैंने आपसे वादा भी किया है कि अड़तीस में आप लोगों को आप अड़तीस में आप लोगों को कम से कम तीस सवाल मैं आपको फंसवाऊंगा यूपी कांस्टेबल में तो क्लास की टाइमिंग बता देता हूं आप लोगों को जिनको भी विश्वास हो वो कर लीजिएगा क्लास चलती है बारह बजे बारह पीएम पर चलती है ये क्लास आपकी यूट्यूब पर चलती है यूट्यूब पर और टेक्स्ट बुक का यूपी नाम से जिसप क्लास आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास चलती है दो पी पर दस पंद्रह मिनट का सेशन होता है यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बाकी अगर ऐप पर आ जाइए तो ऐप अभी तक नहीं डाला टेस्ट बुक का ऐप डालिए जहाँ पर आपको चार पंद्रह पे आपकी मास्टर क्लास होती है चार पंद्रह पे और पेड बैच अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो पॉलिटी पढ़ लीजिए आप लोग साढ़े छः बजे मेरी क्लास चलती है बाकी सब्जेक्ट भी आप लोगों को मिलेंगे मात्र आपको एक बार बैच लेने में और कूपन कोड आप लोगों को लगाना है मेरा ए कूपन कोड लगाना है ठीक है बात क्लियर है रेचीज़ चलिए फिर इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए क्लास की पी डी पी डी मिल जाएगी और बेटा यहाँ पर आप लोगों को क्लास के पीडीएफ पीपीटी के साथ में क्लास के लिंक वगैरह भी अपडेट हो जाएंगे आपने उसको क्लिक किया क्लिक करने के बाद आप नीचे आए एक बार लाइक कर लीजिएगा इसको और लाइक करने के बाद फिर नीचे आइए यहाँ पर और इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे वैसे हमारे पेड बैच पहुँचेंगे बट पेड बैच यहाँ पर खुल नहीं रहा है तो आप यूपी पुलिस पुलिस एग्जाम में जाएंगे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल क्लिक करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर आप दो सौ लिखा हुआ है एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा और कम करते हैं उसको इसको इंडो नौ करेंगे अप्लाई कूपन में जाके जो भी कोर्स खरीदना सिर्फ यूपी नहीं पूरे बुक को जो भी कोर्स खरीदेंगे कोड लगाइए एपीएस दस परसेंट का मिनिमम डिस्काउंट आप पाएंगे और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो हंड्रेड परसेंट आपका रिफंड होगा टेक्स्ट बुक की तरफ से ठीक है तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत गुड बाय टाटा ठीक बायु